पठानकोट के नाल लगते हलका सुजानपुर पैंदा ए संधोड़ी पिंड जिसकी कुल आबादी 300 के करीब है। तो इस पिंड के ज्यादातर लोग दिहाड़ी टप्पा ज अपने खेतों में काम करते हैं। तो जे पिंड दे विच रुजगार मिल जाए तो ठीक, नहीं तो नज़दीक के पिंड विच भी दिहाड़ी लगा लेंदे ने, पर कोरोना बीमारी नूं अपने पिंड च नहीं लिया। जी हाँ, तुसीं सही सुनिया। दरअसल पिंड दे लोकां ने कोरोना महामारी के चलदे पिछली बार भी लॉकडाउन च पिंड दे बाहर नाकेबंदी की हुई सी, ताकि बाहर दे कोई भी व्यक्ति पिंड विच दाखल ना हो सके। तो पिंड दे लोकां ने इस बार भी सावधानियां वरतियां ने, जिस दे विच पिंड दे सारे लोकां ने साफ सफाई का साधन भी किया होया है, ताकि किसी भी तरह की बीमारी पिंड विच ना आ सके। पिंड दे लोकां दा इस सारियां सावधानियां नूं लैके की कहना है, वह भी सुन लें। जो कर रहे पहली गल तो है कि पिंड बहुत साफ सुथरा है जी, तो दूसरा खाण पान लाने का बहुत तरीका अलग ही है इन्हों का। असं चाहते हैं कि जिन्हें भी है ना इतने, एक पहली गलते बहरों कोई मंगता नहीं, कोई असं इतने आने दी, कोई बाबा होया कोई भी उन्हें पहले दड़ा देना सी। बाकी ठीक ही पेड़ा लाया है, कोई भी पिंड एंट्री कोई करता है पहला तो मुंडे को चेक करके सैनिटाइजर करके फिर कोई खास बंदा आएगा अपना पिंड का रिश्तेदार होगा सैनिटाइजर करके फिर भेजे उन्होंने पिंड भी जाओ तुम। तो बाकी ठीक ही पैरा इस कारण ला के रात को भी पैरा लगी था, दिन भी लगी था बाहरों एंट्री कोई ना करी। तो बाकी समान जो घर दिन फसल घर दिया चौल घर के दाने या दाणा भी है ना, लून मुल लेता तकरीबन सारिया यही चीज़ा घर दी जो हिदायत दी जा रही पालन हो रहा है, बिल्कुल पालन करते पे। सर एक साफ सुथरा वातावरण है, तो कोई बाहर भी कोई किसी को अपने इधर आन नहीं देंगे, बकायदा ठिकरी पैदा लगेगा इतने चैकिंग करके सैनिटाइज करके पुछते हैं फिर उन्होंने पिंड अगे जान दें। तो बाकी आबोहवा साड़ी थोड़ी खुली है, खुलियाँ गलियाँ तो अपना घर का ही सब कुछ अपना पैदा किया उ तैयार किया खाने अभी। जो कामकाज की गल करिए तो लोग की कामकाज करते हैं ज़्यादा खेतीबाड़ी है किसान है सर। पठानकोट तो गुरप्रीत मेहता की रिपोर्ट, डेली पोस्ट पंजाबी।